हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सीएसएसडी के बारे में। सीएसएसडी क्या है, इसका नर्सिंग के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, किस प्रकार के फंक्शन होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। द सेंट्रल स्टराइल सप्लाई डिपार्टमेंट इन द हॉस्पिटल रिसीव्स, प्रोसेस, स्टराइल, स्टोर, डिस्ट्रीब्यूट्स एंड कंट्रोल सर्जिकल सप्लाई टू ऑल द वार्ड्स, ओटी एंड आईसीयू। सीएसएसडी की फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। जो सीएसएसडी है, जो सेंट्रल स्टराइल सप्लाई डिपार्टमेंट है, वो हर हॉस्पिटल के अंदर वो प्रेजेंट होता है। डिपार्टमेंट हर हॉस्पिटल में देखने को मिलता है। इस हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट है सीएसडी, उसके अंदर स्टराइलेशन की प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है कि जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, इन्फेक्टेड आर्टिकल्स, उनको स्टराइल किया जाता है। उनको स्टराइल करने के बाद वार्ड जो होते हैं, प्रत्येक वार्ड जैसे कि आईसीयू, ओटी, उनमें उसको आर्टिकल इंस्ट्रूमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। द एम ऑफ सी एस एस डी इज टू प्रोवाइड ऑल दी डिपार्टमेंट इन ए हॉस्पिटल विथ एडिक्वेट सप्लाई, रिलायबिलिटी, स्टराइल मटेरियल एंड मेक देम कॉन्स्टेंटली अवेलेबल फॉर रूटीन एंड इमरजेंसी। ये जो सी एस डी डिपार्टमेंट है, सेंट्रल स्टराइल सप्लाई डिपार्टमेंट है, उसका जो उद्देश्य है कि जो प्रत्येक वार्ड है हॉस्पिटल के, ठीक है, प्रत्येक वार्ड हॉस्पिटल की वहाँ पर जो मटेरियल है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है, उनको कंटिन्यूसली स्टराइज करना आर्टिकल्स को, और प्रॉपर उसको जो रूटीनली इसको अवेलेबल कराना हॉस्पिटल के अंदर, एमरजेंसी कंडीशन के अंदर या नॉर्मल कंडीशन के अंदर, वार्ड्स के अंदर उनको अवेलेबल कराना। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन इसके अंदर ऑब्जेक्टिव ऑफ सी एस एस डी। टू प्रोवाइड ए सेफ हॉस्पिटल एनवायरमेंट फॉर बोथ द पेशेंट एंड स्टाफ। ये जो सी एस एस डी, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव, कुछ उद्देश्य हैं। उसमें फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है, उसमें क्या काम होता है जो सी एस डी का, ये जो हॉस्पिटल की जो प्रत्येक वार्ड है, ठीक है, हॉस्पिटल है, उसमें एक तरह से सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना। हॉस्पिटल के अंदर किसी प्रकार को इन्फेक्शन हो, इससे ना हॉस्पिटल पेशेंट को नुकसान हो, ना ही स्टाफ को, पूरे जो हॉस्पिटल होता है उसको क्लीन करना। टू इनिशिएट इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स इन डिपार्टमेंट टू प्रिवेंट नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ये जो डिपार्टमेंट है, उसका जो उद्देश्य ये है कि जो वर्क जो होता है, उसमें क्या करते हैं कि जो डिपार्टमेंट क्या करता है, जो भी मेजरमेंट होते हैं, जो मेथड्स होते हैं इन्फेक्शन कंट्रोल करने के, उसको यूज़ में लिया जाता है इस डिपार्टमेंट के अंदर, ताकि इन्फेक्शन कम से कम हो। ये जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन है, जो हॉस्पिटल से फैलता है, उसके रिस्क फैक्टर को कम किया जाता है इसके अंदर। टू प्रोवाइड सप्लाइज टू स्टराइल इक्विपमेंट, लिनन, पैक्स, ड्रेसिंग एंड अदर स्टराइल थिंग्स टू ऑल डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल। इनमें क्या किया जाता है, डिपार्टमेंट में क्या किया जाता है, जो भी जो इक्विपमेंट्स होते हैं, स्टराइल इक्विपमेंट होते हैं, इनको पैक किया जाता है। जैसे कि ड्रेसिंग हो गया, ठीक है, मरहम पट्टी, जो भी इक्विपमेंट आर्टिकल, उसको स्टराइज करने के बाद हॉस्पिटल के सभी डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ सी एस डी, कि जो सी एस डी डिपार्टमेंट है, सेंट्रल स्टराइल सप्लाई डिपार्टमेंट है, वो किस प्रकार कार्य करता है, ठीक है, किस प्रकार आर्टिकल्स इंस्ट्रूमेंट उनको क्लीन करता है। रिंसिंग, पहले क्या करता है, जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, आर्टिकल्स को धोता है, क्लीन करता है। उसके बाद क्लीन करने के बाद उसको ड्राई कंडीशन पर रखते हैं, जो आर्टिकल्स है उसको करते हैं अपन ड्राई करते हैं हीट के माध्यम से। इंस्पेक्शन, जो भी इंस्ट्रूमेंट क्लीन नहीं होते, तो उनको क्लीन करना, या पूरी तरह ऑब्जर्वेशन किया जाता है इसके अंदर। असेंबली मतलब उनको इकट्ठा करना। आर्टिकल्स को अपन इसमें क्या करते हैं, साफ करते हैं, उसको साफ करने के बाद क्या, उसको ड्राई किया जाता है आर्टिकल्स को। उसके बाद ऑब्जर्वेशन किया जाता है किस प्रकार से कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या माइक्रोजम तो प्रेजेंट नहीं है आर्टिकल्स के अंदर। उसके बाद उसको क्या कहता है, आर्टिकल्स को पैक किया जाता है। पैक करने के बाद उसको रिस्टराइज किया जाता है। रिस्टराइज करने के बाद उसको अपन स्टोर रूम में रख देते हैं। स्टोर रूम में रखने के बाद क्या करता है, अपन इसकी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ उस वार्ड के अंदर आर्टिकल्स को, जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको अपन सप्लाई किया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन आर्टिकल्स टू बी स्टराइल इन सी एस डी। जो अपना डिपार्टमेंट है सी एस डी हॉस्पिटल के अंदर, उसके अंदर कौन कौन से आर्टिकल को स्टराइज किया जाता है, जैसे कि ऑटिलिन हो गया, ऑटी इंस्ट्रूमेंट हो गया, ट्रीटमेंट ट्रे, आई फ्लूड, ग्लव्स, प्रोसीजरल सेट, सिरिंज, नीडल, ये जो लिनन होती है वार्ड के लिए, उसको भी अपन इसमें क्लीन करते हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं एडवांटेज ऑफ सी एस डी। ये जो अपना डिपार्टमेंट है सी एस डी हॉस्पिटल के अंदर, उसके क्या क्या लाभ हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। ये जो डिपार्टमेंट होता है, वो क्या करता है, क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है। सेकेंड एडवांटेज का, रिड्यूस बर्डन ऑफ नर्सिंग स्टाफ।
नर्सिंग स्टाफ का जो बर्डन होता है, अतिरिक्त जो कार्य होता है उसको कम करने का काम करता है सीएसडी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, एंश्योर सेफ एनवायरनमेंट। इसके अलावा जो जो डिपार्टमेंट है वो रहता है एक सेफ एंड क्लीन एनवायरनमेंट क्रिएट करता है हॉस्पिटल के अंदर, और क्वालिटी जो केयर होती है वो प्रदान की जाती है इस डिपार्टमेंट के द्वारा।